नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज सातवां अध्याय का तीसरा श्लोक। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। यानी कि हजारों लोगों में से कुछ लोग परमार्थ मार्ग पर लगते हैं। उस परमार्थ मार्ग पर रहने के बाद कई लोग जो होते हैं वो सिद्ध होते हैं, कई पैसों से, कई रिद्धि सिद्धियों से, कोई ज्ञान से, कोई इससे, कोई उससे, वो सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, उनको रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त होती है कई लोगों को, लेकिन उनमें भी बहुत कम ही लोग रहते हैं जो मुझे आके मिलते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं ही चाहिए। ठीक है, तो ये इसका असली अर्थ निकलता है। इसका अर्थ इन्होंने क्या दिया है पता नहीं, कि सहस्त्रावधि मनुष्यान मनुष्य में एक ही सिद्ध के लिए प्रयत्न करता है वगैरह वगैरह, वो लिखता है, वो उनका सच है, वो तो ट्रांसलेशन ही बताएंगे। लेकिन उसका भावार्थ दीपिका यानी ज्ञानेश्वरी का भावार्थ ये है, गीता का भावार्थ ये है। अभी क्या होता है कि कोई भी उठता है कुछ भी कहता है, मेरे स्वामी जी के वर्ड है, कोई भी उठता है कुछ भी बोलता है कुछ भी करता है, लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। यानी जैसे वो हरदम चांगदेव का उदाहरण आता है कि चांगदेव महाराज 1400 साल के थे, वो शेर के ऊपर बैठ के आ रहे थे, उनको करोड़ों थे लोग उनके पीछे, उनके शिष्य थे। ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबे, इनको एक भी यानी मुश्किल से एक आधा शिष्य होगा। लेकिन लोग चमत्कार नमस्कार नमस्कार को चमत्कार नहीं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। ये जो है इच्छा पूर्ति, नमस्कार, ये अध्याय पढ़ने का बाद ये होगा वगैरह वगैरह, इसमें हमें पढ़ने का नहीं है। जो प्रारब्ध में लिखा है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अपने प्रयास करते रहने चाहिए। ठीक है, अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कर रहे हैं, पैगा मनुष्याची या सहस्त्रशा माझी विपाई लेयाची ये था धीमसा, तैसा धीमसे करा भोसा माझी विरा। वही कह रहे वो अभी, वो विरा यानी विरला व्यक्ति रहता है। जैसा भर लिया त्रिभुवना आतु एक एक चांगुज अर्जुना, निवड़ुने कीजे सेना लक्ष्यवरी। सारे त्रिभुवन में से अच्छे अच्छे लोगों के अगर एक सैन्य निर्माण किया जाए, ठीक है, लक्ष्य सैन्य निर्माण किया जाए, कि तहाई पाठी जे वे लोह मासाते घाटी ते वे विजय पाठी एक उची बैसे। तो इनका कहना ऐसा है कि ऐसे कई लोग रहते हैं कि जो सैन्य लड़ने जाते हैं मर जाते हैं, लेकिन जो विजय प्राप्त करता है कुछ कोई अलग ही रहता है। ऐसा नहीं कहना उनको, उनका कहना है कि ये लड़ने को जाते हैं, सारे लोहों के तलवार के घाव भी सहते हैं, जीत के भी आते हैं, देह मन बुद्धि आत्मा सब कुछ झोंक देते हैं अपना, और वहाँ पे विजय श्री लेते हैं, और उसके बाद में उनको असली आत्मज्ञान प्राप्त होता है, वो मेरे को आके मिलते हैं, ऐसे भगवान कहना चाहते हैं। उनका ट्रांसलेशन कुछ अलग है कि वो कहते होंगे निश्चित कि जॉब भी मैंने बताया। तैसे आस्थेचा महापुरी रिगताती कोटिवरी परी प्राप्ति चा पहले तेरे विपायला नहीं गए, कि आस्थे का पुर इतना आ जाता है कि आस्था श्रद्धा से जाओ, ये करो वो करो, इस भगवान की भक्ति के उधर गए उधर गए उधर गए, सब कुछ होते रहता है, लेकिन असली जो भक्त रहता है वो मुझे आके मिलता है। उसको कुछ नहीं चाहिए बाकी, केवल मैं ही चाहिए, उनको ही मैं मिलता हूँ, ऐसे भगवान कह रहे हैं। ये तो हमारी इच्छा पूर्ति के लिए इस भगवान के पास गए, फिर ये इच्छा पूर्ति के लिए उस भगवान के पास गए, फिर ऐसा किया वैसा किया, ये तो दिन रात कई लोग करते रहते हैं, देखा होगा आपने। अपने को परमार्थ मार्ग पर रहना है, और क्यों करोड़ों जन्म भी और लेने का, क्यों तकलीफ देने का सारे प्राणियों को मुक्ति पाने की अभी। ठीक है, म्हणून सामान्य गानो हे सांगता वडील गोठी का है, परी ते बोलो येईल पाहे आता प्रस्तुत है। तो कई बार ऐसे लगता है कि अरे वो तो असामान्य व्यक्तिमत्व है, वो तो रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण है वगैरह वगैरह, ऐसे और लोग उनको मिलने जाते हैं, और क्या क्या होता है, क्या हो जाता है कि जैसे बताया कि साधना करने के बाद इच्छा पूर्ति करने के लिए कुछ ग्रंथ पढ़ा, ये मंत्र पढ़ा, इस भगवान के पास गए, तो उनको या तो अमीर बन जाते हैं, या तो ज्ञानी बन जाते हैं, या तो रिद्धि सिद्धि में वाले वो साधु पुरुष या कुछ हो जाते हैं, या तो कुछ न कुछ
इम्पॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं, कोई पावरफुल बनता है, कोई ये बनता है, कोई वो बनता है, लेकिन असली भक्त है वो इसके परे चला जाता है। उनका नाम भी किसी लोग कई लोगों को पता नहीं रहता उनको, और उनको ऐसा लगता भी नहीं अपना नाम पता रहना चाहिए, बस अपने भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं, हर क्षण हर घड़ी अपनी कर्म ही पूजा करते हैं और मस्त आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जिनके नाम भी नहीं पता, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ठीक है अभी भी है लोग वैसे। तो अभी हम लोग वैसा एक योगी एक भक्त की ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं, और वही परमार्थ है, वही ज्ञानेश्वर महाराज और श्री कृष्ण कह रहे हैं। धन्यवाद।